आप सभी को जय यीशु। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है मरने पर भी वह जीवित रहेगा। आज विशेष रूप से हमारे प्रिय पिता स्वर्गीय अल्बिनस मिंज के संपूर्ण जीवन के लिए, उनके जीवन में ईश्वर से मिले सभी आशीष एवं कृपाओं के लिए पिता ईश्वर का धन्यवाद करने का, उनकी महिमा एवं गुणगान करने का दिन है। आज के पवित्र गमी मिस्सा बलिदान के मुख्य अनुष्ठाता रांची महाकलिसिया के भले चरवाहे सहायक धर्माध्यक्ष अति मान्यवर थियोडोर मस्करेनस एसएफएक्स की अगुवाई में संपूर्ण धर्म विधि संपन्न होगी। आज के धर्म विधि की प्रक्रिया इस प्रकार से है। प्रवेश गान से धर्म विधि प्रारंभ होगी। प्रवेश गान के दौरान हमारे सहायक धर्माध्यक्ष के शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन एवं श्रद्धांजलि अर्पण की जाएगी। प्रवेश गान की समाप्ति के पश्चात हम सभी बैठ जाएंगे। तत्पश्चात स्वागत संबोधन सबसे बड़ी सुपुत्री रीता मिंज के द्वारा की जाएगी। इसके बाद सबसे छोटे दामाद अजीत प्रकाश किस्पोट्टा के द्वारा पिता स्वर्गीय अल्बिनस मिंज की जीवनी पढ़कर सुनाई जाएगी। तत्पश्चात पवित्र गमी मिस्सा बलिदान प्रारंभ होकर यथावत चलेगी। अंत में पवित्र परम प्रसाद के तुरंत बाद एवं अंतिम आशीष के पहले मिंज परिवार की ओर से धन्यवाद व आभार व्यक्त की जाएगी एवं पारिवारिक प्रेम एवं स्नेह की भेंट की जाएगी। अंतिम आशीष एवं विसर्जन गान के उपरांत हम सभी निमंत्रित निवास स्थान घर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पिता स्वर्गीय अल्बिनस मिंज की दिवंगत आत्मा की अनंत शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पण की जाएगी। इसके बाद गमी भोज गमी अंजल ग्रहण कर हम सभी एक दूसरे से विदा लेंगे। धन्यवाद।
सबों को जय यीशु। आज हम सभी यहाँ बाबा स्वर्गीय अल्विनस मिंज की गमी मिसा में उपस्थित हैं। वास्तव में आज हम बाबा के 83 वर्ष के सफल जीवन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। मैं सहृदय आप सबों का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच पवित्र क्रिस्तियाज संपन्न करने के लिए सहायक धर्माध्यक्ष अति मान्यवर बिशप स्वामी थियोडोर मस्कलेनस SFX उपस्थित हैं। मैं मिंज परिवार की ओर से सभी पल्लीवासियों तथा पल्ली पुरोहित की ओर से सहृदय आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ में श्रद्धेय फादर अलेक्स तिर्की, डायरेक्टर सत्य भारती, श्रद्धेय फादर अजय तिर्की, संत जेवियर कॉलेज, श्रद्धेय फादर विपिन मनरेसा हाउस, श्रद्धेय फादर सुशील टुप्पो सचिव आर्च बिशप हाउस, श्रद्धेय फादर देव सहाय मिंज पल्ली पुरोहित लालपुर पैरिश, श्रद्धेय फादर जॉर्ज सहायक पल्ली पुरोहित लालपुर पैरिश, श्रद्धेय फादर अनूप एक्का बरवे हाई स्कूल गुमला, और यहाँ उपस्थित लालपुर पल्ली के माता पिता, भाई बहनों, धर्म बहनों, विभिन्न पल्ली से आए हुए भाई बहनों तथा परिवार के सभी सदस्यों एवं रिश्तेदारों का मैं सहृदय स्वागत करती हूँ। अभी हम सभी पिता स्वर्गीय अल्विनस मिंज की जीवनी सुनेंगे। बाबा स्वर्गीय अल्विनस मिंज की संक्षिप्त जीवनी। बाबा स्वर्गीय अल्विनस मिंज का जन्म गुमला जिला के अंतर्गत कोनबीर नवाटोली के किलगा गांव में 16 मार्च 1939 को हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय इलियस मिंज एवं माता का नाम स्वर्गीय इलिसाबा टुप्पो था। वे अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संत जोसेफ हाई स्कूल कोनबीर नवाटोली में हुई। उसके बाद एक पुरोहित के माध्यम से रोजगार के लिए वे रांची आए। सन 1955 में रांची आते ही उन्हें एक छोटी सी नौकरी DSS धार्मिक साहित्य समिति में मिली, जहां धार्मिक चीज़ों की बिक्री होती थी। यह संत अल्बर्ट सेमिनरी के मुख्य द्वार के सामने अपोस्तोलिक स्कूल परिसर में थी। नौकरी करते हुए वे अपना पढ़ाई जारी रखे। इसी क्रम में सन 1964 में उन्होंने मरवाड़ी हाई स्कूल रांची से मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर सन 1966 में उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी रांची से BCom पास किया। BCom पास करने के बाद नौकरी के लिए अन्य जगहों से प्रस्ताव आया, लेकिन उन्हें DSS छोड़ना मंजूर नहीं था। सन 1967 में उनकी शादी हजारीबाग के जोरी गांव की सुश्री जोसफिन मिंज से हुई। शादी के बाद वे लालपुर के लीची बगान के निकट किराए के मकान में रहने लगे। उनकी 3 बेटियां दिव्या रीता मिंज, निर्मला जसिंता मिंज और अमाता मिंज हैं। सन 1980 में उन्होंने होली क्रॉस कॉन्वेंट के नज़दीक छोटी सी जमीन खरीदी
और अपना मकान बनाया। सन 1982 में सत्य भारती का नया मकान बनकर पूरा हुआ और डीएसएस अपना परिसर छोड़कर सत्य भारती में आ गया। सन 1982 तक डीएसएस का सारा कामकाज स्वर्गीय अल्बिनस मिंज अकेले संभालते थे। सत्य भारती आने पर उन्हें 17 और सहयोगी मिले। जब तक वे डीएसएस सत्य भारती में कार्यरत रहे, शुरू से अंत तक उन्होंने मैनेजर के रूप में ही काम किया। सरकारी नियम के अनुसार सन 1997 में वे सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद भी 25 वर्षों तक सत्य भारती में ही अपनी सेवा प्रदान की। लगभग 67 वर्षों की कुल सेवा अवधि के दौरान उन्हें फादर विलियम डेलपुट, फादर प्रताप टोपो, फादर जॉन ललित तिग्गा, फादर जस्टिन तिर्की और फादर अलेक्सिस तिर्की जैसे महान निदेशकों के साथ काम करने का मौका मिला। अपने परिवार एवं परिवार वालों के प्रति जो जिम्मेदारियां थी, उसे उन्होंने बखूबी निभाया। काफी उम्र हो जाने के कारण वे शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे। इसी माह अचानक उनका तबीयत खराब हुआ और उन्हें संत बरनाबस अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया। एक सप्ताह तक अस्पताल में इलाज होता रहा तथा इलाज के दौरान ही 22 जनवरी 2022 को अस्पताल में ही उनका देहांत हो गया। आइए हम बाबा स्वर्गीय अल्बिनस मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। अब मैं पवित्र गम्मी मिस्सा बलिदान को शुरू करने के लिए विनम्रता पूर्वक हमारे भले चरवाहे सहायक धर्माध्यक्ष और सभी पुरोहितों को सादर आमंत्रित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर शांति आप लोगों के साथ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके हमारे स्वर्गीय अल्बिनस की धर्म पत्नी जोसफिन और पूरा परिवार की बेटियां, हम जब भी हम किसी को खोते हैं तब दिल में दुख होता है, परिवार में दुख होता है और विशेष करके अल्बिनस जैसा एक इंसान जो इतना प्रभु का प्रेम करता था और कलीसिया की इतनी सेवा करती रही, तब हम कुछ खोया ऐसा हमें लगता है। फिर भी हमारा क्रिश्चियन विश्वास ये है कि ये जिंदगी खत्म होती है और एक नया जिंदगी शुरू होती है, एक नया जीवन। उसी नया जीवन में हमारे स्वर्गीय पिता के पास हमारे स्वर्गीय अल्बिनस को बुलाया गया है। एक गम्मी मिसा हम चलाते हैं तो प्रभु को
उसका आत्मा हम आदिन करेंगे और पूरे परिवार के लिए प्रभु की सांत्वना के लिए प्रार्थना करें। हम पापी है, हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए प्रभु को हमारे दिल हमारे मन प्रभु को अर्पित करें। दया याचना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। Thank you.
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने क्रूस के रहस्य द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया है और अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा नियुक्त किया है। दयापूर्वक अपने मृत्यु सेवक अल्बिनस को मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगल युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 7 से 12 तक। हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम में से ना कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मर जाते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। Thank you.
यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है
और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जीवा अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जीवा सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। पूरा रिकॉर्डिंग कीजिएगा ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके परिवार के सदस्यों, अल्बिनस मिंच के इस गम्मी मास के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और जैसे पहले पाठ में संत पौलुस बोलता है, यदि हम जिंदे हो या मरे हुए हो, हम प्रभु के हैं। और सुसमाचार में प्रभु यीशु खुद हमें बताता है, जो तके हुए हैं मेरे पास आइए, मैं आप लोगों को विश्राम दूंगा। अल्बिनस को तो मैं जिंदगी भर नहीं पहचानता था, लेकिन मेरी उसके साथ अकरी भेंट बार्नबास हॉस्पिटल में हुई। वो उसका निधन होने के 2 या 3 दिन पहले उसके साथ हम प्रार्थना किया, और प्रार्थना में बोल नहीं पाता था, लेकिन उसके आंखों में जो चमक थी वो दिखा देता था प्रभु का कितना प्यार था। और जैसे उनके परिवार वाले मुझे बोल रहे थे कि बहुत इच्छा करता था बिशप से बात करने को, तो जब मैं वहाँ गया तो थोड़ा देरी से उसके पास पहुँच गए कि बोल नहीं पाता था, लेकिन वो इच्छा, वो कलीसिया के वो जो प्यार था वो दिखने मिलता था। कोशिश कर रहा था बोलने का, लेकिन शब्द तो नहीं आते थे। तो उसको आशीष दे कि हम चले गए, इसलिए जब फादर सुशील कल मुझसे पूछा कौन से पार्ट लेना है, तो मैंने ये सुझाव दिया कि ये जो दो पार्ट हम पढ़े हैं वो ले लेना, क्योंकि इसकी अल्बिनस की जिंदगी के लिए ये दोनों पार्ट बहुत अच्छी तरह से लगते हैं। जिस तरह वो जिया उस तरह ही मर गया प्रभु के प्यार के साथ। और इसलिए जो संत पौलुस बताता है, अल्बिनस जब जिंदा था प्रभु का था, कलीसिया के सेवा में लगे हुए था, मुझे बोल दिया गया है कि बहुत नम्रता से काम करता था, प्यार से काम करता था। वो ही जिंदगी अभी उसकी प्रभु के साथ चालू है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि प्रभु का प्यारा था और प्रभु का प्यार करता। और इसलिए जो सुसमाचार बोलता है, जब इन तके हुए थे
मैं हॉस्पिटल में बाहर आते हुए ही पदर सुशील को बोला कि ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा थका हुआ लगता था, कष्ट भी उठा रहा था, लेकिन खुश था। तो यही बुलाट जो तके हुए हैं, मंदे हुए हैं, मेरे पास आ जाए, वो ही बुलाहट के साथ में सोचता हूँ वो प्रभु के पास गया अपना विश्राम लेने के लिए, प्रभु का पूरा प्यार लेने के लिए, प्रभु का पूरा आनंद लेने के लिए, उसी में भाग ले रहा है। इसलिए हम क्रिश्चियन लोग यदि दुख भी होते हैं, फिर भी हमारा ये आनंद है, ये खुशी है कि अभी कष्ट नहीं उठाएगा, दुख नहीं लगेगा, प्रभु के आनंद में सदा लिए रहेगा। इसी भावनाओं के साथ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मिसा बलिदान हमारे अल्बिनुस की आत्मा के लिए चढ़ाए। इसी भावनाओं के साथ हम इस दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सांत्वना के लिए और प्रभु के विश्राम के लिए, प्रभु के आनंद। हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र क्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवितों और मृतकों को, विशेष करके हमारे अल्बिनुस को मुक्ति प्रदान करें। हम कलीसिया के चरवाहे एवं धर्म गुरु संत पिता फ्रांसिस, धर्म अध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक बिशप थियोडोर मस्केरेनस, सभी याचकों एवं धर्म संघों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें प्रचुर मात्रा में प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान करे, जिससे वे सुस्वस्थ रहकर ईश्वर के वचन को जन जन तक पहुंचाने में सफल और सक्षम हो सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, शैतान की ताकत और अंधकार की शक्ति से हमारी रक्षा कर। इन दिनों चारों तरफ लोग कोरोना महामारी से ग्रस्त हैं, सभी बहुत परेशान और दुखी हैं। तू तो सबकी सुधि लेने वाला ईश्वर है, इन सभी बीमार लोगों को तू चंगा कर दे और हमारा जीवन सुरक्षित रख। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्यारे प्रभु, आज हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबों को प्रेम, क्षमा और दया का वरदान मिले, दूसरों के प्रति आदर और सच्ची धारणा प्रदान कर, ताकि हम अपने आचरण और भले कामों से दूसरों को अच्छा नमूना दे सके। हम हमारा आध्यात्मिक जीवन सबल और सुदृढ़ बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
आज हम सभी स्वर्गीय बाबा अल्बिनस मिंज की आत्मा के अनंत शांति के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें कि वे जल्द से जल्द स्वर्ग राज में प्रवेश पा सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम परिवार के सभी मित्र विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वर्ग में स्वर्गीय आनंद के भागी हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने सेवक अल्बिनस की आत्मा की सुधि दे, उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, अपने सेवक अल्बिनस पर कृपा दृष्टि डाल, जिनके लिए हम तुझे स्तुति भली अर्पित कर रहे हैं, हमारी दीन याचना सुन और ऐसी कृपा कर
इस बलि के द्वारा वे अनंत जीवन का फल प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है संसार की मुक्ति, मानव जाति के जीवन और मृतकों के पुनरुत्थान। इन्हीं के द्वारा स्वर्ग दूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो ये लोग भावों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएंगे। जब वे शिक्षा स्मृत के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी
भांति भोजन के बाद उस हमने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन रक्त में उसका तरल, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह किया। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की नृत्य पूर्णता की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष मस्करस और सभी याचकों के साथ ईश्वर में पहले अपनी कलीसिया सिद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ए प्रभु, अपने सेवक अल्बिनस की सुनि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से गुजर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके और धन्य यश धन्य प्रणीतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सत्यवान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सदा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। जानते हैं कि जब हम बच्चे होते तब हमारा पिता, हमारे जो दादा दादू, वो हमें पिता हमारे प्रार्थना सिखाते हैं। जितना भक्ति अल्बिनुसता, मैं ये सोचता हूँ कि अपने परिवार को भी ऐसा ही ये प्रार्थना पढ़ाए थे, सिखाए थे। तो आज हम गाना नहीं गाएंगे, आप लोग वो ही उसी की याद करके जिस तरह वो प्रार्थना करते हैं, वैसे हम इकट्ठा ये पिता हमारे प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने सिखाया है वो प्रभु को चढ़ाएंगे। ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे,
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु कृष्ण फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग सदा और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन। हे ईश्वर के मेरे, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेरे, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेरे, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। Thank you.
ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के मुख्य अनुष्ठाता सहायक धर्माध्यक्ष अति माननीय थियोडोर मस्करेनस का मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपना बहुमूल्य समय देकर पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया। प्रभु कहते हैं, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधी ली और तुम मुझसे मिलने आए। हमारे भले चरवाहे, आपने हमारे बीमार पिता की सुधी ली और उनसे भेंट करने आए। आपने अपने पवित्र हाथों से उन्हें जीवन के अंतिम क्षण में ईश्वर को रोटी के रूप में ग्रहण करने का अवसर दिया। आपकी निस्वार्थ सेवा, पिता तुल्य प्रेम, स्नेह, सहानुभूति एवं मिंज परिवार के प्रति आपके लगाव के लिए हम हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ एवं आभारी रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी धर्माध्यक्ष फादर सचिव का। संत योहन कहते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, ऊबड़ खाबड़ मार्ग समतल कर दी जाए। श्रद्धेय फादर सुशील टुप्पो, आप हमेशा सक्रिय रूप से हमारे भले चरवाहे के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित कर उनके लिए हम विश्वासियों तक पहुंचाने का मार्ग तैयार करते हैं। आपकी उदारता एवं सहयोग के लिए हमारा मित्र परिवार आपको कृतज्ञता प्रकट करता है। साथ ही अन्य पुरोहितों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस मिस्सा में हमारे लिए प्रार्थनाएं की। फादर अलेक्स तिर्की, फादर अजय, फादर विपिन, फादर सुशील टुप्पो, फादर अनूप एक्का, हमारे पल्ली पुरोहित तथा सहायक पल्ली पुरोहित, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद मैं लालपुर पैलेस चर्च लेन के गायक मंडली को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मिस्सा पूजा को भक्तिमय बनाए रखा। इस मिस्सा पूजा में शामिल सभी भाई बहनों तथा लालपुर पल्ली वासियों को विशेष रूप से उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा इस दिन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, उसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। अभी मिंज परिवार की ओर से रांची पल्ली के सहायक धर्माध्यक्ष और उपस्थित पुरोहितों को छोटी सी
भेंट दी जाएगी। सत्यवादी आज हम जब हमारे बाबा स्वर्गीय अल्बिनस मिंच की गमी मिस्सा में भाग ले रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से हमारे बाबा अल्बिनस मिंच के परिवार की पत्नी तीनों बेटियों और परिवार से संबंधित सबों को मैं और हमारे सत्य भारती से जो स्टाफ आए हैं सबों की ओर से मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि हमने चिन्नी में सुना, उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य भारती के लिए समर्पित कर दिया था। अन्य जगह काम मिलने पर भी वो सत्य भारती में ही रहना चाह। जब हमारे उस आदमी से बात हो रही थी तो किसी ने कहा अल्बिनस तो सीधे स्वर्ग चला जाएगा, क्योंकि वह सत्यवादी में रह करके धार्मिक वस्तुओं के साथ ही रहता था और उसका जीवन ही एक बहुत ही धार्मिक जीवन रहा। सत्यवादी को उन्होंने बचपन से अब तक देखभाल की और हल्का फुल्का बढ़ाया और आज जो सत्यवादी है उनके परिश्रम का ही फल है। इसलिए मैं आज सत्यवादी परिवार की ओर से पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस शोक की घड़ी में इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि सुखी परिवार में ईश्वर की शांति आशीष और कृपा बनी रहे और हमारे स्वर्गीय पिता अल्बिनस की आत्मा को ईश्वर अपने राज में प्रवेश माने दे। आमीन। अभी आप सबों के लिए बाबा अल्बिनस मिंच के नाम पे भोजन का आयोजन किया गया है। आप हमारे निवास स्थान पर जाकर अवश्य भोजन ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवनदायक संस्कार से पुष्ट होकर हम अपने बाबा अल्बिनस की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने उन्हें मुक्ति का सौभाग्य प्रदान किया है। इस संस्कार से शुद्ध होकर वे क्रिस्ट की अनंत शांति में आनंद मनाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करे। आप लोग विदा ले प्रभु की शांति साथ रहे। Thank you.
अल्बिनस मिंज की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी माता पिता भाई एवं बहनों, परम प्रसाद के बाद जो दूसरी बार चंदा जमा किया गया या हमारे इस नए गिरजाघर जो ईश्वर का मंदिर के निर्माण में आप सबका सहयोग के लिए ये दत्तान उठाया गया। आप सबों ने जो कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार दान दिए हैं उनके लिए हम लोग पूरी पल्ली वासी आपका शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के इस मंदिर के निर्माण के लिए यदि आप स्वेच्छा से और कुछ दान देना चाहते हैं तो आप ऑफिस में आकर आप अपना दान जमा कर सकते हैं, या उसके लिए जमा करने की जो प्रक्रिया है एक छोटी प्रार्थना के रूप में लिफलेट बनाया गया है, आप उसे लेकर आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम लोग बाबा अल्बिनस मिंज की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उनके सभी छोटे बड़े दोष गुनाहों को क्षमा कर दे और उनकी आत्मा को स्वर्गराज में जगह दे। दूतों और संतों की संगति में उसे शामिल करके उन्हें परम शांति दे। साथ ही परिवार के सभी शोकित जनों को माँ जोसफिन मिंज और उनके जितने भी बाल बच्चे नाती पोते हैं उन सबों को ईश्वर साहस धैर्य एवं बल प्रदान करें और अपने विश्वास में सुदृढ़ रहने की कृपा दे। हम माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर को यह प्रार्थना चढ़ाएं। याद कर विनती हे अति धर्मनिष्ठ कुमारी माँ मरिया, याद कर कि सुनने में कभी नहीं आया कि कोई तेरे पास दौड़ा के तेरे मदद मांग के तेरी विनतियों की सहायता खोज के तुझसे आशाएं छोड़ा गया है। हे कुमारियों की कुमारी हे मेरी माँ, इस आशय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और तेरे आगे कराते हुए पापी के समान खड़ा हूँ। तो ये मांग मेरी विनतियों को स्वीकार मत कर लेकिन से सुन और पूरा कर। आमीन। हम दौड़ाते हैं ये परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी जरूरत में करते हैं उसको स्वीकार मत कर लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब दुखियों से बचाइए। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तुम होंगे और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तुम में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तुम में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में थी अब काल तक सदा रहे। आमीन। हे संत मरिया, हे संत योसेफ, हे सुप्रति पवित्र दिल, मरी हुई विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। उसका जी जय यीशु। सभों को पुनः जय यीशु। माँ जोसफिन मिंज एवं समस्त परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित माता पिता भाई बहने पुरोहितगण धर्म बहने एवं इस पल्ली के सभी विश्वासीगण सभी रिश्तेदार आप सबों से आग्रह है कि अभी आप निमंत्रित निवास स्थान घर की ओर प्रस्थान करेंगे जहां हम सभी पिता स्वर्गीय अल्बिनस मिंज की दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तत्पश्चात हम गमी भोज अन्न जल
ग्रहण कर एक दूसरे से विदा लेंगे। धन्यवाद।